everyone, assalamu alaikum. This is me, Rika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, नो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बिकॉज आई एम गोना शेयर माय संडे रूटीन विद ऑल ऑफ यू गाइस एंड आई रियली वांट टू शेयर एंड रियली वांट टू शो माय घरेलू साइड टू ऑल ऑफ यू. देखिए मेरी किचन वाली साइड वो भी थोड़ी घरेलू टाइप ही थी, वो तो आप लोगों ने देख ली है कि आपके घर में खाना बनाना आता है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को संडे रूटीन शेयर करूँ क्योंकि संडे वाले दिन ना सब घर में ना घरेलू ही बने हुए होते हैं. आई डोंट नो आप लोग का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं तो बनी भी होती हूँ. संडे वाले दिन सबका ऑफ होता है, सब घर में होते हैं, जो काम करने आते हैं उनका भी ऑफ होता है, तो वो सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है, हम पर इन अ सेंस मुझ पे आ जाती है. आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं अपना संडे कैसे स्पेंड करती हूँ, तो फुल वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी. तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रूम में. लेट मी शो यू माई रूम, जो कि बहुत गंदा हो रहा है. मैसी 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 This is my room right now, guys. पूरी बेडशीट खराब हुई हुई है क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ. फेस मैंने वॉश कर लिया है और सुबह सुबह उठने के बाद मैं ये गर्म पानी पीती हूँ जिसमें होता है शहद और लेमन. ये मेरी समझे रोज की हैबिट है, तो ये मैं रोज ही पीती हूँ. मैं ये पीऊंगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी अपनी बेडशीट ठीक. तो गर्म पानी मैंने पी लिया है, अब बारी है बेडशीट से करनी थी. माही जी, इधर आ जाए. आपके घर में भी ऐसा होता होगा, जब आपके छोटे बहन भाई होते होंगे तो उनको ही आप क्लोज पकड़ा देते होंगे. मेरे घर में भी ऐसे ही होता है. वो सारे तकिए उठाए बेटा, पकड़ के खड़ी हो जाए. ये भी Few moments later. Okay, so अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और obviously किचन का पार्ट भी इसमें शामिल होना चाहिए कि मैं किचन में आके क्या करती हूँ. तो मामा ने ब्रेड जो है वो टोस्ट करके रखी हुई है, तो मुझे बनाना है मन पसंदीदा अंडा. ठीक है, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी, इसको क्या कहेंगे, फ्राई पैन छोटा. इसे मैं डालूंगी ऑयल. मैं आप लोगों को बताती हूँ, नॉर्मली आप लोगों ने हाफ फ्राई अंडा खाया होगा, तो हाफ फ्राई अंडा मैं जो बनाती हूँ मेरा तरीकेकार ऐसा कि मैं हाफ फ्राई अंडे में काली मिर्ची के साथ साथ कुटी हुई मिर्ची भी ऐड करती हूँ. और हाफ फ्राई नॉर्मली लोग जो है वो ऐसे, जो हमारी अम्माएं हैं वो ऐसे तोड़ती और ऐसे ही अंदर चले जाता है, मुझसे जल्दी टूट जाती है. तो आई डोंट वांट कि आप लोग के सामने इस तरह से जल्दी टूट जाए, तो मैं इसको पहले प्याले में निकालूंगी, फिर उसके बाद हम उसको डालेंगे. यहाँ पे चाहिए थी कि जल्दी ना टूटे, लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग जल्दी टूट चुकी है, लेकिन हम इसको जाया तो कर नहीं सकते, हम इसी में ही बनाएंगे. इंसल्ट हो गए गाइस, थोड़ा सा मैं नीचे से पकाऊंगी. बस ये मेरा अंडा तैयार. आप देख सकते हैं हमने संडे को भी यूटिलाइज कर लिया, टफट से खाते हैं. Two hours later. आई नो आप लोग यकीन नहीं आ रहा होगा कि रविका झाड़ू पोछा भी करती है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं नहीं हम तो मान ही नहीं सकते कि आप झाड़ू पोछा भी करती हूँ, मतलब सफाई करती हूँ. आज मैंने दिखा दिया है इस वीडियो में कि भाई मैं करती हूँ, संडे वाले दिन ना चाहते हुए भी करना पड़ता है. तो आप लोग भी किया करें, अपनी अम्माओं का हाथ बताया करें. खैर, ये आप लोग को झाड़ू नजर आ रही होगी, ये बहुत ईजी झाड़ू है, आराम से खड़े होके आप लोग दे सकते हो. और पोछा भी मेरे पास बड़े मजे का है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. बारी है पोछे की, फिर उसके बाद मुझे अपने इन बालों पे बहुत तरस आ रहा है, तो हम इन बालों का कुछ करेंगे. सफाई गाइस, आई एम सो टायर्ड. जजाकल्ला मेरा बच्चा. जब भी मैं
इस तरह से सफाई करके बैठती हूँ ना, तो मैं ही मेरे लिए पानी लेके आता ही आता है। उसको पता है फुल ग्लास भर के पानी नहीं पी सकती, तो हाफ ही ग्लास लाता है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव माय क्यूट बेबीज, ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो सफाई वगैरह हो चुकी है गाइज, और मैं सच बता रही हूँ सफाई मुझे करनी थी, ये वीडियो मुझे बनानी थी, आप लोगों से शेयर करनी थी, इसलिए मैंने इस तरह से बाल यू नो बना के रखे हुए ताकि मैं तरीके की लगूं। वरना मेरा जो सीर है ना वो होता यूं है कि मैं लगाती हूँ ऑयल और ये टाइट जूड़ा बांध के सफाई करती हूँ और फिर डायरेक्ट चले जाती हूँ मैं शावर लेने। बट आज मैंने सोचा कि मैं आप सबके सामने ऑयल लगाऊंगी। वैसे तो मुझे सफाई से पहले ऑयल लगाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई। फिर मेरे जहन में आया कि मुझे तो लगाना है, बट अब हम एक घंटा वेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं गाइस। जितना भी बिजी स्केजुअल हो, आपको अपने बालों का, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लीज़ ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ अब, हर्बल हेयर ऑयल हमदर्द का, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो अब जल्दी से ऑयल लगाते हैं। ये लगाते इस तरह से हाथ में लेके जड़ों जड़ों में लगाते हैं। फटाफट से पूरे बालों में ऑयल लगा रहे थे, अभी बज गए हैं 6, तो इंशाल्लाह 7 तक हम लगा के रखेंगे, फिर हम ले लेंगे शावर। सो अभी मुझे शावर लेने में आधा घंटा है। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 घंटा में वेट करना है, तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये सारी सब्जी मंगवाई है, जिसमें है कुकम्बर, अनियन एंड पोटैटोज। तो हमें पोटैटोज को पील करना है, मम्मा ने क्योंकि काम दिया है तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी पील करना है पोटैटोज को। वैसे कभी कभी अगर मम्मा का दिल चाह रहा था मेरे हाथ की कोई स्पेशल चीज़ खाने का, तो मम्मा फिर मुझे बोलती है बनाओ, वैसे खाना मम्मा ही बनाती। यहाँ पे बन रही है बिरयानी गाइस, मम्मा के हाथ की। खाना वगैरह बन रहा है तो मैंने सोचा जब तक मैं शावर ले लूँ जाके, तो जल्दी से मैं शावर लेने जा रही हूँ। शावर लेने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। 2000 years later. So finally I just took a shower guys, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने बालों में यू नो टॉवल नहीं बांधती हूँ, अपने बालों में ये दुपट्टा बांधती हूँ। तो यही दुपट्टे से मैं अपने बाल खुशक करती हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब मैं लगाऊंगी बालों में सिरम, लेकिन सिरम से पहले मैं लगाऊंगी सनब्लॉक। सनब्लॉक मैंने आप लोगों को बताया, दिन हो रात हो मैं सनब्लॉक जरूर अप्लाई करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने सिरम ले लिया अपने हाथ में। सो इट्स डिनर टाइम गाइस, और यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रमीका ने आज अपने घर में से एक बंदे से भी नहीं मिलवाया, क्या सीन है, सब नजर नहीं आ रहे। तो भाई सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, फिर मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने सबको उसमें मसरूफ रखा हुआ था। एग्जाम साहब इतना ये ट्यूशन गए हुए थे साहब, आपके एग्जाम्स कब से? 1 नवंबर। नीचे बैठ जाए, 1 नवंबर फिर फेल हो गए, फर्स्ट आओगे। अच्छे खाने को वेट नहीं करवाते, जल्दी से खाना खा। हीरो का दीवाना मयूर हसन खान, पता नहीं मुझे आज तक कुकम्बर अच्छे नहीं लगे, बट कहते हैं कि खाना चाहिए फ़ायदेमंद होता है, बट खाओ। नो आज मयूर खिलाया तो खा लोगे। आज ये साहब गायब थे, कहाँ थे बेटा बताएं लोगों को अपने बारे में। अच्छा, अरे वो जो अपकमिंग चीज है उसके बारे में, अपना गाना रिकॉर्ड करवाने गया था। अरे हाय, गाना रिकॉर्ड कराने पोस्टर कब से अपलोड किया है, गाना रिकॉर्ड अब हुआ नहीं, रिकॉर्ड किया था लेकिन फिर वो हमें पसंद नहीं आया तो हमने चेंजेस करवाए, तो फिर दोबारा रिकॉर्ड किया है ना। तो फिर अब क्या सीन है, कब आ रहे? 10 दिन बाद ऑन सीन पक्का। चलो डन इंशाल्लाह। ये साहब भी सो के उठ के आ चुके हैं शावर लेके। गुड मॉर्निंग साहब, रात के कितने बजे उठे हैं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम। 12:30 बजे उठ के आएंगे ऊपर, इनकी अभी सुबह हुई है। मैं ऊपर डेढ़ साल पहले उठ चुका हूं। ये वो लोग हैं जो सुबह तक जागते हैं और रात में सोते हैं। लेकिन आजकल मैं वर्किंग कर रहा हूं अपने। ओह माय गॉड, आजकल ये वर्किंग कर रहे हैं किसी सरप्राइज पर। ये हर चीज सरप्राइज क्यों हो जाती है? इंशाल्लाह मम्मा आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। मैंने ऑयल लगा लिया था, मैंने शावर ले लिया है, अब मैं मम्मा के ऑयल लगा रही हूँ गाइस। अच्छे से मम्मा की चम्पी कर रही हूँ, मम्मा मेरे चम्पी करती हैं, आज मैं मम्मा की चम्पी कर रही हूँ। मम्मा मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे सर का दर्द सही हो गया। ऐसा ही है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर आइसक्रीम लेने। भैया चल रहे हो? नहीं।
भैया चलो, उस एम जो है ना एक आइसक्रीम खाता है, डबल ट्रिपल नाम है उसका, तो हम वो आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, देखते हैं हमें मिलती है क्योंकि उस एम भी डबल ट्रिपल है कह रहे हैं। बातें सुन रहे हैं इसकी, बदतमीज। आइसक्रीम के साथ साथ बिस्किट भी खाते रहते हैं। उस एम वो है जो दिन भर आइसक्रीम, बिस्किट, नूडल्स यही खाते रहते हैं, इसी पे जिंदा है खाना, इनसे खाना भी खाते हैं। गाइस हम लोग जाने लगे हैं बाहर आइसक्रीम लेने, और आई होप कि मेरी फेवरेट वाली आइसक्रीम मिल जाएगी। क्या करते हैं इसे डबल ट्रिपल खाएंगे, डबल ट्रिपल, लेट्स गो। तो गाइस आज की ड्राइवर जो है वो चेंज है, जई हसन खान है आज के ड्राइवर, खुर्रम हसन खान घर में है, तो अभी हम जई के साथ देखने आए कि हमें आइसक्रीम मिलती है क्या नहीं। ऐसे मिलेगी तो नहीं, एक बज रहा है रात को, पहले से पकड़ जाएगा, मुझे लगता है नहीं मिलेगी क्योंकि उस एम कहता है कि उनके पास खत्म हो गई, अब हम कहीं और से देखेंगे, आई होप कि हमें मिल जाए। आइसक्रीम झूठने बोला, दिखा नहीं मिली। फाइनली गाइस इनकी कौन लाया, ये लाया, ये लावा। लावा में क्या है, लावा है, लावा आइसक्रीम नहीं तो खट्टी होती है। नहीं नहीं मीठी, ग्रीन एप्पल। जरी कहीं और से देखो, और तो आगे दुकान से जाओ, नहीं बल्कि छोड़ा घर चलो। अरे हमें आगे से देख रहे हैं, वो सैड गाइस, जब इसको खानी होती है ना तो सारी आइसक्रीमें मिल जाती हैं, लेकिन जब मुझे खानी होती तब बिल्कुल नहीं मिलती है। मेरा बीच में गला इतना खराब था तब ये ला रहा था, आप ही खाओगे, आप ही खाओगे, जब मैं खा नहीं सकती। मैं घर आ चुकी हूँ, मुश्किल से 10 मिनट में घर आ गई, और आइसक्रीम जो चाहिए थी वो मिली नहीं, लेकिन इट्स ओके। यहाँ पे चल रही है पार्टी गाइस, मैं व्लॉग एंड करने ही लगी थी तो ये लोग पार्टी करने लग गए हैं। ये साहब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, करा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, ये इनकी बर्थडे थी ना तो इनको ट्रीट देनी थी, तो सब बच्चे पीछे पड़ गए, मतलब बच्चे, बच्चों से मुराद जरीर और रुजैन पीछे पड़ गए कि हमें तो पार्टी दो पार्टी दो। मैं तो आप लोगों को पता है कि डाइटिंग पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ KFC वगैरह। लास्ट टाइम मैंने मम्मा की बर्थडे में खाया था, वो भी बहुत मुश्किल से, वो भी थोड़ा सा, बट अब मैं बहुत स्ट्रिक्टली डाइटिंग कर रही हूँ, साथ ही साथ योगा कर रही हूँ, और अभी मेरे योगा का टाइम भी होने वाला है। तो जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलने आऊंगी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएगा कि संडे वाले दिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग की क्या एक्टिविटीज है, लड़के भी बताएं जो देख रहे हैं व्लॉग, लड़कियां भी बताएं कि आप लोग क्या करती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके कमेंट्स पढ़कर, तो मैं जरूर आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, lots of love, take care, bye.